हमारी समस्याओं का हल नहीं, फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा भी आदमी है जो रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद। जी हाँ, मैं कह पक्ष विपक्ष जिस तरह से ये बिल लाने में जो विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन राज्यों में जिसमें भाजपा गैर भाजपा शासित सरकारें थी उन्होंने नोटिफिकेशन पर साइन किया, कहाँ थी, कहाँ विपक्ष हमारे साथ खड़ा है, एक बोली बोल रहा है, MSP की बात कर रहा है, तो वो भी हमारे थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, कौन आज़ाद हुआ, आज़ाद हुए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन आम जनता अभी भी सड़कों पड़ी हुई है, गिड़गिड़ा रही है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस जब तक विश्व व्यापार संगठन को अनलिंक नहीं करा देते हैं, जब तक उदारीकरण नीति को खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, क्या कृषि कानून बिल वापस होने से किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, क्या देश की समस्या समाप्त हो जाएगी, MSP मिलने से क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, क्या जो देश खुशहाल हो जाएगा? नहीं, इसके पीछे उसकी माँ बैठी हुई है। विश्व व्यापार संगठन जो गेट समझौता हमने किया था, उसके क्या में डंकल प्रस्ताव आया था, वो हमको कहता है कि सब कुछ निजीकरण होगा, सब कुछ बेचा जाएगा, उसी का दिन हो रहा है। हमें उसको अब एक नई श्रेणी आज़ादी विश्व व्यापार संगठन से अनलिंक होना है, उदारीकरण नीति को ध्वस्त करना है, ये हम चोट करेंगे बिल्कुल व्यापार पर। यूपी में कैसे चोट करोगे, सवाल ये है। घर घर जाएंगे, आंदोलन खत्म होगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन का स्वरूप बदलेगा। स्वरूप जो JP आंदोलन, जो पहले आंदोलन देखा, हम घर घर जाएंगे, हम महापंचायतें करेंगे, हम मुद्दे उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कभी हिंदू मुस्लिम कमला नहीं हो, जिस प्रकार से 6 दिसंबर को स्थापना करने जा रहे हैं कृष्ण की मूर्ति, ऐसा नहीं होने देंगे। हम मथुरा में पंचायत करेंगे, टिकैत जी करेंगे और सबको जगाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे, बॉर्डर पर क्या करें बताइए मुझे, हमारी सारी मांगे घुटन है। मथुरा का मुद्दा देख रहे हो जी, बिल्कुल। तो अब सजग है ना, आपने पहली बार कर लिया, अब हम सजग हैं, सबकी आंखें खुली है। जब भारत जगता है ना देश है, जब जब इस देश पर तानाशाहियों का ऐसा आक्रमण हुआ है, भारत तब तब एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, ना टूटेगा, ना कभी तिरंगा झुका है, ना झुकेगा, आज हर हिंदुस्तान जाग गया है। तो चतुर्वेदी, आपने चाहते कि मथुरा में मूर्ति का क्यों, जब कोर्ट में लंबित है, इस देश में कोर्ट बड़ा है कि ये लोग बड़े, बताइए कौन लोग हैं, वो लोग हैं कौन बताइए मुझे, टुच्चे लोग जो इस देश की तोड़ने की साजिश रचते हैं, जो देश में नफरत फैलाने का काम करो, वो लोग कौन है? इस देश का मत कहा, ये देश कैसे चलता है? संसदीय प्रणाली से संविधान चलता है, संविधान अपना काम करेगा, जैसे इस प्रकार से हमारे में काम किया है। तो जहाँ भी कहा संविधान को मानते हैं, क्यों नहीं मानते? हम यहाँ कोई उपद्रव दिखा, हमने कोई दंगा किया, उपद्रव खड़े, धारा 144 लगी हुई है जी, जी लागू है, लेकिन हम खड़े तो उन्होंने लगा दिया, तो हम क्या करें बताइए मुझे, हम क्या करें? हमारे ऊपर तोप लगा तो हम क्या करेंगे? हम तो निहत्ते हैं, हमारे पास तोप नहीं, 28 जनवरी का हमारी लाइटें काट दी गई, पानी काट दिया गया, हमारी सुविधाएं छीन ली गई, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक जब डिस्ट्रिक्ट में मौत होती है, उसके लिए DO जिम्मेदार होता है, भूख से किसी की मौत होती है, तो हमारा लाइट पानी क्यों काटा गया बताइए मुझे? जब सुप्रीम कोर्ट का दिया है कि गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा, नहीं 4% ब्याज की दर से देना पड़ेगा, वो लोग मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात? बताइए मुझे, हमारे मौलिक अधिकार छीन लिया गया यहाँ पर, बताइए। आप बॉर्डर खाली कब करोगे जी? हम बॉर्डर घेरे कब है? हम तो जा रहे थे, हमें रोका गया, हम मांग रहे अपना अधिकार, लड़ाई लड़ रहे हैं निहत्ते होके, हम 6 सूत्री मांगे, सारी सब कुछ चल रही है, हमारे कल संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है, उसके हिसाब से सारी बातें तय हो रही है। जब 6 सूत्री मांग, क्योंकि एक मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ठीक है, उस हमारी मांग थी कृषि कानून बिल वापस लो, लेकिन वो जो 5 घटनाएं हुई वो किसान लेके नहीं आए थे, उससे पैदा हुआ है, उसका वो भाग है। जब तक वो चीज़ें वापस नहीं हुई, कृषि कानून बिल वापस होना बेमानी होगा, क्योंकि कानून को मानते हैं। जो 6 मांगे हैं उसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जो राज्य सरकारों के अंडर अधीन आती हैं, आप कह रहे हैं सारी 123 नहीं, आप इसका अध्ययन करें। एक ऐसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है कि वो राज्य सरकारों के FIR भी खत्म कर सकती है, अभी अमित शाह के साथ बयान आने वाला है, वो खत्म कर सकते, पावर है। तो FIR हम नहीं लेकर आते, जब एक घटना हुई तो FIR हुआ, तो FIR तो वापस होना पड़ेगा, नहीं तो बेमानी थोड़ी, उस कानून का वापस होना बेमानी माना जाएगा। इसका जितना भी चीज़ें हो इसके साथ हुई हैं, सबका वापस होना लिहाजी ज़रूरत है। और एक मैं और कहना चाहता हूँ, NRI ने जो फंडिंग किया, उनके ऊपर जो बैन लगा दिया गया, उसको भी हटाना चाहिए, NRIOं का बैन भी, उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ। वो बेचारे हमारी हेल्प किए मुसीबतों में, उन पर अत्याचार क्यों? कंगना रनौत ने जो आशीर्वाद लिया है, जिस प्रकार से इस देश में तोड़ने का जो आशीर्वाद लिया है, जिस प्रकार से भगवा लहराने का आशीर्वाद पहले भी लिया था, वो टूट चुका है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, आज वही जिस किसी ने भी अगर इस जो गीदड़ था वो शहर की तरफ भागने, यानी किसानों की तरफ, इस देश के दस्तकारों की तरफ, पत्रकारों की तरफ, मजदूरों की तरफ भागने का प्रयास किया, वो जमी दोज हो गया। नाजनीनों की नादाओं पे दुनिया फिदा है यारो, नाजनीनों की नादाओं से दुनिया को बचा लो यारो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमने तबीयत से पत्थर उछाला और आज उनका
सब कुछ खत्म हो चुका है। राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचार करेंगे वो 2022 में। जी मैं पूछना चाहता हूँ, उस देश का राष्ट्रवाद कौन है? जनगण मन अधिनायक। इस देश का अधिनायक जनगण मन, जो जनगण आम आदमी है। अब भारत भाग्य विधाता, इस देश का भारत भाग्य विधाता कौन है? जनगण मन मतलब आम जनता है, दस्तकार मजदूर किसान ये सब लोग है। कौन लोग राष्ट्रवाद इस देश की परिभाषा कौन तय कर रहा है? हु इज कंगना रनौत? जिस प्रकार से उनका पाश्चात्य भारत जीवन रहा उस आधार पे कह रहे हैं क्या? वो कौन है? उनके आप कह रहे हैं कौन है कंगना रनौत? फॉलोअर्स, फॉलोअर्स तो मैं भी देख लेता हूँ। फॉलोअर्स बनना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो देश की परिभाषा है। इस देश का परिभाषा जो हम भारत के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परिभाषा है, न कि फॉलोअर्स परिभाषा तय करता है इस देश की। ये देश संविधान चलता है, ये देश संविधान प्रणाली चलता है, ये देश किसी बड़े बोलेपन से नहीं चलता है। कहते इस देश में मोदी मुमकिन है तो नहीं, इस देश में शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य तो मुमकिन है, इस देश में किसान है तो मुमकिन है, इस देश में सिख है तो मुमकिन है, देश तब मुमकिन है। ये कंगना रनौत जैसे लोग, साक्षी महाराज लोग कौन बड़े पड़े? हमें तो कहा था आंदोलनजीवी कहा था, हमें खालिस्तानी कहा था, माओवादी कहा था, पाकिस्तानी प्रो कहा था, चाइनीज प्रो कहा था, जिहादी किया था, हमें भारत टुकड़े गैंग कहा था, क्या हुआ? सब खत्म। आज क्या हुआ? हमें सम्मान के साथ, किसी का गुरु टूटा है, किसी का घमंड टूटा है, आज भगवा हारा है, तिरंगा जीता है। हम 26 जनवरी को तिरंगा लहराएंगे। भगवा को हमने जमी दोष कर दिया है, आगे भी लड़ाई जारी है। जम के रखना कदम, किसमें कितना है दम? अगर हम किसानों को मजदूरों को इस देश की जो थाती है उसको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और ये भी इतिहास गवाह है। कहा था 300 के पार, महाराष्ट्र में कहा था 300 के पार, इन्होंने दिल्ली में कहा था 300 के पार, इन्होंने बंगाल में भी कहा था 300 के पार, और क्या हुआ? इनकी आदत है जुमला गढ़ने की, ये तो कहते ही रहते हैं, क्या हुआ? आपने देखा उत्तर प्रदेश जो आम आदमी मतदान करता है पंचायत चुनाव में, इनका सुपड़ा साफ हो गया था। इनकी असलियत यह है, ये 300 के पार नहीं, अगर 3 भी आ जाए तो कह देना किसान जब रौता है तो मिट्टी में मिला के छोड़ता है, जिस प्रकार से मिट्टी में मिला के उसको खाद गोबर सब कुछ उसको एक उपज देता है, ऐसे यहाँ तमाम तिरंगा लहरा रहा है। बीजेपी को वोट देंगे, चतुर्वेदी जी कहाँ हो तुम? ये आप कह सकते हो ना भाई, वो लोग कह रहे हैं, भ्रम फैला नहीं। ये देश किसानों का, जिस प्रकार से आपने देखा पूरे देश में किसानों की लहर है, इस समय मजदूरों की बात हो रही है, जिस प्रकार से सरकार घुटने टेक रही है, लाचार है, ऐसा मैंने प्रधानमंत्री मजबूर देखा ही नहीं। हमको उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी कर गए, इससे लाचार, इससे मजबूर डरा प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? तो आज डरा हुआ है, हम यूपी में आ रहे हैं, यहाँ जिस प्रकार चल रही घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित किसानों की जीत हो रही है। 6 सूत्री मांगों को घुटने टेक क्यों मानने जा रहे हैं? लेकिन आंदोलन खत्म होगा, लेकिन आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, हम स्वरूप बदले। मैं कहना चाहता हूँ असली उसकी माँ कौन है? हम बच्चे को मार रहे हैं, कभी किसी कानून आता है, कभी श्रम का आता है, हमारे जल पर भी कानून बन गया है, हमारी नदियाँ बेची जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो विश्व व्यापार संगठन है, जो हमने उसके साथ समझौता कर रखा है कि सरकार इस देश में कुछ भी नहीं चलाएगी, रेल जो भी है सब निजीकरण होगा। हम विश्व व्यापार संगठन से अनलिंक होना चाहते हैं, उदारीकरण जो उनकी नीति है उससे हम काम नहीं करता तो क्या किया जाए? कौन कहता है? जब हमारे देश में जब खाद्यान्न नहीं था, हरित क्रांति आया था, तब हमने राष्ट्रीयकृत सारे बैंकों किया। अब बैंकों की बात करें, कर्जा माफ कर, जब सारे बैंक निजीकरण हो जाते कर्जा कहाँ से, तब हमारे अन्न जब खाने को नहीं था तो हमने सब चीज़ को राष्ट्रीयकृत किया, सब सरकारी किया, और हमें उस समय खाने को गेहूँ पैदा हुआ, तो ये राष्ट्रीयकृत का कमाल है। आज बताइए हम रेल बना के उनको देना चलाने के लिए जी बिल्कुल। देखिए आज किसान जग उठे हैं, इस 75 साल से हमारे कांधे पे हलता है।